अब सवाल ये उठता है कि हम लोग दार्जिलिंग अगर आप प्लान कर रहे हैं पटना से जाने के लिए, तो कैसे जाएं? और ये एक दिन में पहुंचा जा सकता है? गर्मी बहुत पड़ रही है और दार्जिलिंग का मौसम बहुत इस वक्त सुहाना है, तो बच्चों को घुमाना है या मोटिवेशन है जाने का? और हम लोगों ने कैसे किया, हम लोग सवेरे 5 बजे निकले थे। जल्दी निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 11 घंटे लगता है। अगर आप तो ड्राइव कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो और एक रात रुक करके भी जाया जा सकता है। रुकना पड़े तो देखिए, जो जो जगह अगर आप लेट निकलते हो और आपको रुकना पड़े, तो आप रुकने के लिए जो 6 घंटा ड्राइव करके आप 5 साढ़े 5 घंटा करके आप जब कोशी ब्रिज क्रॉस कर लेते हो, तो सुपौल के लिए एक रास्ता कटता है बपटियाही से, वहाँ से 17 किलोमीटर सुपौल रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आपको होटल मिल जाते हैं जहाँ पे आप रात में रुक सकते हैं। नहीं तो फिर आपको सिलीगुड़ी रुकना पड़ेगा, तो कम से कम सिलीगुड़ी तक पहुँचने का टारगेट रखिए, वहाँ पे अच्छे होटल्स मिलते हैं। बाकी भी मिलेंगे पर किशनगंज इन सब में, पर अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मे बी सब लोग वैसे होटल्स ना पसंद करें, या कोई अच्छा होटल आपको पता हो तो अभी आप उसमें जाइए मतलब अच्छे होटल मिलते हैं भैया किशनगंज में। हाँ ठीक ठीक किशनगंज या कुछ सुपौल में। हाँ सुपौल में ठीक है होटल, तो एयर कंडीशन होटल मिल जाते हैं। किशनगंज का मैं कह नहीं सकता कि मैं रुका नहीं हूँ वहाँ पे, तो मतलब, लेकिन सुपौल में तो है ठीक होटल, पर वो रास्ते से फिर कटना पड़ता है, 15 किलोमीटर अंदर हाईवे छोड़ना पड़ता है और रेलवे स्टेशन के पास है। और सिलीगुड़ी में तो आप सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी वहाँ पे मिल जाएंगे, अच्छे होटल मिल जाएंगे। हाँ, और फिर एक बार पहाड़ी शुरू हो जाती है तो कुर्शांग और इसके बाद तो होटल आपको थोड़े थोड़े समय पर मिलते रहते हैं, पहाड़ पे होटल्स हैं, कुर्शांग में भी होटल्स हैं तो आप रुक सकते हैं। पर कुर्शांग तक पहुँची गए तो लोग सोचते हैं दार्जिलिंग तक पहुँच ही जाए, बीच में रुकने का क्या मतलब है। अब करते हैं खर्चे की बात कि खर्चा कितना पड़ता है। देखिए अगर डीजल गाड़ी है आपकी तो हम लोगों को 18-19 का माइलेज दे रही थी गाड़ी, प्लेन हाईवे है, वरना जो दे रही थी वो 19 के करीब माइलेज दे रही थी, तो हमें 2800 2800-2900 का हमें फ्यूल लगा होगा। तो आप समझिए कि अगर 4 लोगों में डिवाइड करें 3000 को तो सारे 600-700 के करीब हमें फ्यूल लगा होगा पर हेड, 750-700 और करीब करीब 900 रुपये का टॉल लगा होगा, टोल प्लाजा पे जो हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी चार्ज करती है वो लगा होगा। तो ये खर्चा हो जाता है अपना आपका, तो टॉल का हो गया। फूड तो अपने ऊपर है, पर 10 रुपये की चाय, प्लेन्स पे 10 रुपये की चाय मिलती है, उसी हिसाब से खाना मिलता है, तो ढाबों का खाना भी ठीक ही रहता है। ऊपर जाइएगा दार्जिलिंग में तो 20 रुपये की हो बीस जाएगी, रुपए की चाय मिलेगी, 20 रुपये की चाय हो जाएगी। दार्जिलिंग में महंगा हो जाता है खाना, सब कुछ पहाड़ पे चढ़ाना पड़ता है, पानी टैंकर से आता है, तो खाना पीना थोड़ा महंगा हो जाता है। तो नीचे खा पी करके अपना रुकते हुए जा सकते हैं। और क्या होगा, टॉल हो गया, पार्किंग का खर्चा रहता है, पार्किंग दार्जिलिंग में आपको देखिए पार्किंग मिलती नहीं, अच्छे होटल्स में पार्किंग होती नहीं है क्योंकि पहाड़ पे बना हुआ, तो पार्किंग लिमिटेड है, मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, पर पार्किंग तो बेहतर है कि जो वहाँ पे पे एंड पार्क है, मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ, गाड़ी उसी में पार्क करें। 150 रुपये 12 घंटे का लेता है और 20 रुपये घंटा उसका, आप जितना एक्सटेंड करें, या पूरे दिन का अगर 24 घंटे का लेते हैं तो 300 रुपये लेता है। मैं उस पार्किंग का ये मैप का लोकेशन का लिंक भेज दूँ, डाल दूंगा वीडियो में। और वो ठीक रहेगा, पार्किंग एक्सपेंस हो गया, टॉल एक्सपेंस हो गया। होटल हमने जो दार्जिलिंग में किया था वो हमें पड़ा था 2000 का, तो उसमें 4 लोग सो सकते थे, तो समझिए कि 500 रुपीज़ पर हेड होटल एक्सपेंसेस रहता है। तो इससे वगैरह अगर आप टोटल कर दें तो पर पर्सन आप समझिए कि यहाँ से दार्जिलिंग जाने में 1000 रुपये तक का आप समझिए कि आपका फ्यूल और टॉल हो गया, और बाकी होटल का 500 रुपये 1500 रुपये पर पर्सन पर डे का बजट लेके आप जा सकते हैं, चल सकते हैं। पर अगर मतलब गाड़ी फुल है, जैसे बड़ी गाड़ी है, इनोवा है, ये सब, तो उसमें ज़्यादा लोग होते हैं तो फ्यूल एक्सपेंस कम हो जाता है, पर हेड कम पड़ जाता है। और अगर कम लोग जा रहे हैं, 2 ही लोग जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिए कितना खर्चा होने वाला, तो इतना महंगा नहीं पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बराबर ही ऑलमोस्ट पड़ता है। बस भी कितना लेती होगी, 500-600 टिकट लेती होगी? हाँ 600 या 700 है,
ये न्यू जलपाई मतलब ये सिलीगुड़ी का है, हाँ 700 रुपये करीब है बस का चार्ज। फिर वहाँ से आपको जो लगे तो आगे 2-3 से तो 1000 रुपये तो मतलब एक हाँ। आदमी का अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो भी पड़ ही जाएगा। और इसमें रहता है कि सेम डे पहुंच जाते हैं उस वहाँ के, वहाँ से फिर सिलीगुड़ी से फिर या तो आप शेर में जाए जो वहाँ का टैक्सी वगैरह है, नहीं तो आप बुक करके जाए। तो अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं या एक दो लोग जा रहे हैं तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो शेयर में ही जा सकते हैं तो ज़्यादा आपको सही रहेगा। फिर भी पर पर्सन 1000 रुपीज़ का खर्चा पड़ ही जाता है। हाँ तो ये था, तो जिन चीज़ों का ध्यान रखना कि देखिए ये जो मेरे ख्याल से दरभंगा के बाद और वापस किशनगंज क्रॉस करने ये जो इतना जो रूट है ना इसमें होटल्स और ये सब नहीं है, कम है, थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो ये जगह है कि दिन दिन में क्रॉस कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जल्दी निकलना, अगर 5 बजे निकल सकते हैं पटना से तो आप शाम एकदम मस्त ठंडे बिना एसी वाले रूम में बिना पंखे वाले रूम में बिता सकते हैं, फिर भी ठंडी लगेगी दार्जिलिंग की। वहाँ के होटल में ये एसी नहीं रहेगी ना फैन रहेगी, क्योंकि ऑलवेज वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम ही रहता है, तो अच्छा मौसम रहता है। गर्मी के मौसम में इधर हो गया काठमांडू जाएंगे तो 10 घंटा लगता है, लेकिन काठमांडू के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, व्हीकल का अलग से भंसार कटाना पड़ता है, तो वो करीब करीब 280 या 290 रुपये पर इंडियन रुपीज़ पर डे का रहता है। तो और एक गर्मी से बचना है तो मतलब वो सब एरिया अच्छा जरूरी, अगर दार्जिलिंग पहुँच गया तो वहाँ से सिक्किम और बाकी तो आगे का रूट हम ट्रैवल जो किया है वो ब्लॉग में डालेंगे ही। ये खास दार्जिलिंग के लिए थी, क्या कॉस्ट लगता है, क्योंकि ये 1 डे में आप पहुँच भी सकते हैं वहाँ आराम से और 1-2 दिन समय बिता कर वापस दार्जिलिंग से भी वापस आ सकते हैं, 2-3 दिन वहाँ रिलैक्स किए उसके बाद वापस आए तो समझिए कि गर्मियों का छुट्टी जैसा, अगर बच्चों को लेकर जाना चाहते हो गर्मियों की छुट्टी में जाएं काफ़ी अच्छा रहता है। फैमिली ट्रिप रहा तो आप समझिए कि 3000 जाने का 3000 आने का 6000, 2 दिन वहाँ रुके तो 2000, 8000 और मान लीजिए 5000 तक खर्चा, तो ये 12-13000 में 4 लोगों का अच्छा खासा हॉलीडे हो सकता है दार्जिलिंग का, बाई व्हीकल अगर बाई रोड जाते हैं तो सोचिए देखिए कैसे प्लान कीजिए कभी समय निकाल। ड्राइविंग का थोड़ा सा पहाड़ पर रहता है पर एक बार आदमी चलाने लगता है तो चलाना आ ही जाता है, ओवर स्पीडिंग ये सब मत कीजिए बस, और क्या अपने लेन में रहें, जो जो है पहाड़ों का जो नियम है थोड़ा सा, किसी की पहली बार जाएं तो किसी के साथ जाएं जिसने जो थोड़ा पहाड़ वहाड़ पर चलाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कुछ क्वेश्चन वोश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए जवाब दे देंगे उसका। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जो हमारी नज़र में आया हो हमने मिस कर दिया तो कमेंट करके पूछ लीजिए तो आपको बता दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो, और हमारी बहुत सारी वीडियो भी है जो साथ में हम लोगों ने ट्रैवल किए वो भी देखें। तो तब से के लिए बाय।